नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल गौरव साइंस क्लासेज के अंदर स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पैलियोकाज्मा के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने उसके सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट, हैबिटेट, गैमेटोफाइट की एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर और इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो पैलियोकाज्मा के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पैलियोकाज्मा मोनोसियस और डायोसियस दोनों कंडीशन के अंदर अवेलेबल होता है। मोनोसियस का मतलब होता है कि एक ही थैलस पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव रिसेप्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और डायोसियस का मतलब होता है कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग थैलस के ऊपर ये इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मिलते हैं। अब पैलियोकाज्मा के कुछ स्पीसीज के अंदर नर व मादा जननांगों का निर्माण एक ही थैलस पर होता है, यानी कि वो मोनोसियस होते हैं। जननांगों का निर्माण जो विशेष प्रकार की संरचनाएं के अंदर होता है, जिन्हें रिसेप्टिकल्स कहते हैं, और नर व मादा के लिए अलग अलग रिसेप्टिकल्स का निर्माण होता है। सबसे पहले हम मेल रिसेप्टिकल्स यानी कि एंथ्रिडियोपोर के बारे में स्टडी करते हैं। रिसेप्टिकल थैलस की डोर्सल सरफेस पर मध्य सिरा क्षेत्र में एक पंक्ति में अरेंज रहते हैं। जो मेल रिसेप्टिकल्स होते हैं वो सेसाइल होते हैं और घोड़े की नाल के शेप में होते हैं। रिसेप्टिकल्स हैं जो छोटे शल्कों के द्वारा ढके हुए रहते हैं, यानी और रिसेप्टिकल में अनेक एंथ्रिडियल चैम्बर्स होते हैं जो एक छिद्र द्वारा सतह पर खुलते हैं, यानी कि एक रिसेप्टिकल के अंदर बहुत सारे एंथ्रिडियल चैम्बर्स होते हैं। एंथ्रिडियल चैम्बर्स के अंदर एंथ्रिडियम होती है, और ये सारे जो एंथ्रिडियल चैम्बर्स हैं वो पोर्स के द्वारा सतह पर खुलते हैं। यह आप इसका डायग्राम देख सकते हैं कि ये एक पूरी एंथ्रिडियोपोर है, इसके अंदर ये एक एंथ्रिडियल चैम्बर है और ये इसके अंदर एक एंथ्रिडियम लगी हुई है, ठीक है। और ये सारे एंथ्रिडियम ऊपर ये पोर्स के थ्रू ऊपर खुलते हैं, ठीक है। अगर आप इसका ये एक्चुअल डायग्राम देखें कि ये देखो, ये घोड़े की नाल के आकार का डायग्राम होता है इसका, और ये ऊपर छोटे छोटे पोर्स हैं जो एंथ्रिडियल चैम्बर्स इनके बाहर खुलते हैं, और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये पोर है, ये एंथ्रिडियल पोर है, और ये एंथ्रिडियल चैम्बर है जिसके अंदर ये एंथ्रिडियम लगी हुई है, और बाहर इसके इस एंथ्रिडियम के बाहर एक यूनिलेयर एक जैकेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद एंथ्रिडियम थैलस की डोर्सल सरफेस पर मध्य सिरा क्षेत्र में एंथ्रिडियल चैम्बर के अंदर मिलती है। सब बात करते हैं इसके डेवलपमेंट की। चूँकि इनका डेवलपमेंट रिक्सिया के थैलस के जैसा ही होता है, रिक्सिया की जो एंथ्रिडियम होती है उसके जैसा ही होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ द एंथ्रिडियम पुधानी का जो परिवर्तन है थैलस के पृष्ठ सतह पर शीर्ष कोशिका के 2 से 3 कोशिकाओं के नीचे मध्य जो मीडियन ग्रूव है उसके अंदर एक सुपरफिशियल सेल्स प्रेजेंट होती है। वह सेल्स एंथ्रिडियल इनिशियल की तरह बिहेव करती है। अब इस एंथ्रिडियल इनिशियल के अंदर एक ट्रांसफर डिवीजन होता है जिससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक आउटर सेल दूसरी इनर सेल। इनर सेल्स जिसे बेसल सेल्स कहते हैं, ये एंथ्रिडियल स्टाक का निर्माण करती है। उसके बाद जो आउटर सेल्स होती है उसके अंदर 2 बार ट्रांसफर डिवीजन होता है, दोनों एक दूसरे के लॉन्गिट्यूडिनल होता है, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर होता है, जिससे 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें से 2 कोशिकाएं प्राइमरी एंथ्रिडियल सेल्स कहलाती हैं और 2 सेल्स प्राइमरी स्टॉक सेल्स कहलाती हैं। जो प्राइमरी स्टॉक सेल्स जो नीचे वाली सेल्स होती हैं वो फिर से विभाजन के अंदर चली जाती हैं, लगातार विभाजन करती हैं और स्टॉक का यानी कि व्रंथ का निर्माण कर लेती हैं, और जो प्राइमरी एंथ्रिडियल सेल्स होती हैं उनके अंदर वापस 2 बार अनुप्रस्थ विभाजन होता है एक दूसरे के समकोण पर, जिससे कुल 8 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, और ये 8 कोशिकाएं 4-4 कोशिकाओं के सेट के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं। इन 4-4 कोशिकाओं के सेट के अंदर एक बार फिर से परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन से 8-8 कोशिकाओं के 2 लेयर बन जाती हैं, जिसे 8 कोशिकाओं की बाहर स्टराइल सेल्स होती हैं और 8 कोशिकाओं की इनर फर्टाइल सेल्स होती हैं। जो स्टराइल सेल्स होती हैं इन्हें प्राइमरी जैकेट सेल्स कहते हैं, जो एंथ्रिडियल जैकेट का निर्माण करती हैं। अब जो प्राइमरी एंड्रो
एंड्रोजिनस सेल्स हैं, जो अंदर वाली जो प्राइमरी एंड्रोजिनस सेल्स हैं उनके अंदर बार बार विभाजन होता है और एंड्रोगोनियल सेल्स का निर्माण होता है। ये एंड्रोगोनियल सेल्स उस एंथ्रीडियल मेंबर के अंदर, एंथ्रोसाइट्स के अंदर मौजूद रहती हैं, और इनका बाद में जो डेवलपमेंट, जो इनका मेटामॉर्फोसिस होता है, वो इनका जो थैलस के मैच्योर होने के बाद होता है। उस वक्त क्या होता है, एंथ्रीडियल जो एंड्रोगोनियल सेल्स होती हैं उनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी कि कायंत्रण होता है, जिससे एंड्रोगोनियल मदर सेल्स यानी कि AMC पुमड़ू मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। उन कोशिकाओं के अंदर डायगोनल डिवीजन होता है, यानी कि एक त्रिक विभाजन होता है, जिससे दो ट्राइंगुलर एंड्रोसाइट्स का निर्माण हो जाता है, और इन एंड्रोसाइट्स के अंदर मेटामॉर्फोसिस से बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड का निर्माण हो जाता है। अब जो एंथ्रोसाइट सेल्स होती हैं वो कायंत्रण के द्वारा सीधे बाईफ्लैजिलेटेड स्पाइरल एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण कर लेती हैं। परिपक्व अवस्था में क्या होता है कि जो एंथ्रीडियल पोर होता है उसके अंदर जल है वो एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर एंटर कर जाता है, जिससे एंथ्रीडियल जैकेट की जो सेल्स हैं वो उसके संपर्क में आते ही डीजनरेट हो जाती हैं और म्यूकस का निर्माण कर लेती हैं, जिससे एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर दबाव बढ़ जाता है और एंथ्रीडियल एपेक्स का जो शीर्ष है वो फट जाता है, जिससे सारी एंथ्रोसाइट सेल्स होती हैं जो बाहर आ जाती हैं, और उस एंड्रोसाइट सेल्स बाहर आने के बाद कायंत्रण के द्वारा एंथ्रोजॉइड्स, बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण कर लेती हैं। इसी तरह फीमेल रिसेप्टिकल के बारे में बात करते हैं, जिसे आर्किगोनियोफोर या कार्पोसिफेलम कहते हैं। जो फीमेल रिसेप्टिकल्स है वो थैलस की पृष्ठ सतह पर शीर्ष से थोड़ा सा नीचे की तरफ स्थित होते हैं। प्रत्येक जो रिसेप्टिकल्स है, फीमेल रिसेप्टिकल्स, उसमें एक छोटा सा व्रंथ होता है, वो डिस्क में विभेदित होता है। जो रिसेप्टिकल्स हैं सल्क के द्वारा ढके रहते हैं। प्रत्येक डिस्क में 2 से 9 लॉब होते हैं। प्रत्येक पाली में एक आर्किगोनियम होती है। सेम जिस तरह से मेल रिसेप्टिकल्स के अंदर होता है, वैसे ही प्रत्येक जो रिसेप्टिकल्स हैं वो अलग अलग लॉब्स के अंदर डिवाइड होता है, और प्रत्येक लॉब्स के अंदर एक एक आर्किगोनियम प्रजेंट होती है। यंग आर्किगोनियम डिस्क की डॉर्सल सरफेस पर उपस्थित होती है। जैसे ही उसमें निषेचन होता है उसके बाद केंद्रीय अक्ष में वृद्धि कर पार्श्व स्थिति पर आ जाती है, यानी कि साइड में आ जाती है। उसके बाद प्रत्येक स्त्रीदानी आर्किगोनियम एक इन्वोल्यूजर से ढकी रहती है। अब इसके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो इस तरह से दिखता है, जो थैलस के ऊपर इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में बना होता है। फीमेल रिसेप्टिकल्स, ये इसका डायग्राम है, ये इसका छोटा सा स्टाक है, इस तरह से ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलपमेंट के बाद इस तरह से हो जाता है। इसके अंदर ये प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये वाला पोर्शन नेक कहलाता है और नीचे वाला जो है वेंटर कहलाता है। वेंटर के अंदर 2 चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक वेंटर कैनाल सेल्स और एग सेल्स। इनका डेवलपमेंट किस तरह से होता है उसको देखते हैं। आर्किगोनियम का निर्माण एंथ्रीडियल जो आर्किगोनियल चैम्बर्स हैं उनकी जैसा ही होता है। इनके भी जो डेवलपमेंट के जो चरण हैं कई तरह से होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम, स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर आर्किगोनियम और फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम। तो डॉर्सल सरफेस की जो सतही कोशिकाएं होती हैं वो आर्किगोनियल इनिशियल की तरह बिहेव करती हैं। इन आर्किगोनियल इनिशियल के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे 2 सेल्स बनती हैं, आउटर सेल्स और बेसल सेल्स। बेसल सेल्स क्या करती है, एम्बेडेड पार्ट का निर्माण कर लेती है, ठीक है, थैलस के एम्बेडेड पार्ट का निर्माण करती है। उसके बाद आउटर सेल्स, जिसे आर्किगोनियल मदर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, इसके अंदर 3 उदग्र तिर्यक विभाजन से, 3 बार डिवीजन से कुल 4 कोशिकाएं बनती है, जिसमें से एक सबसे ऊपर वाली सेल्स प्राइमरी एक्जल सेल्स, प्राथमिक अक्षय कोशिका और 3 परिधीय कोशिकाओं का निर्माण होता है। सबसे पहले इन परिधीय कोशिकाएं, जो इनके अंदर अरीय विभाजन होता है, और ये अरीय विभाजन से 6 कोशिकाएं बन जाती हैं, और इन्हें जैकेट इनिशियल सेल्स कहते हैं। इन जैकेट इनिशियल सेल्स के अंदर फिर से अनुप्रस्थ विभाजन होता है, और
दो सेट बन जाते हैं, एक अपर सेट नेक इनिशियल और नीचे वाला जो सेट होता है उसे वेंटर इनिशियल कहते हैं। नेक इनिशियल से प्रोड्यूस होकर 6 से 9 कोशिकाओं का नेक का निर्माण करती है और वेंटर इनिशियल सिंगल लेयर्ड वेंटर वॉल का निर्माण कर लेती है। अब जो प्राइमरी इनिशियल सेल्स है उसके अंदर फिर से अनुप्रस्थ विभाजन होता है और 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, प्राइमरी कवर सेल्स इस और दूसरी सेंट्रल सेल्स। प्राइमरी कवर सेल्स के अंदर 2 बार फिर से अनुप्रस्थ विभाजन होता है और दोनों विभाजन एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, जिससे 4 कोशिकाएं का कवर सेल का निर्माण होता है। ये कवर सेल्स जो आर्किगोनियम है उसको कवर किए रहती हैं। अब ये सेंट्रल सेल्स के अंदर डिवीजन से प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स और वेंटर सेल्स का डेवलपमेंट होता है और ये प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और वेंटर सेल्स के अंदर डिवीजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अपर सेल्स जो छोटी कोशिका होती है उसे वेंटर सेल्स कहते हैं और बेसल सेल्स जो लार्ज और बड़ी कोशिका होती है उसे एग सेल्स कहते हैं। और इस तरह से स्त्रीदानी के परिवर्धन के साथ साथ इसके चारों तरफ जो कायिक कोशिकाएँ सक्रिय होकर एंथ्रीडियल चैम्बर का निर्माण कर लेती हैं। आर्किगोनियम का जो निर्माण है, परिपक्व स्त्रीदानी का आधारी भाग वेंटर यानी कि अंडदा तथा इससे सीड्स पार्क ग्रीवा में डिवाइड होता है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, ग्रीवा में जैकेट 6 वेंटर सेल से बना होता है और ग्रीवा को ग्रीवा नाल यानी कि नेक कैनाल के अंदर 8 से 9 नेक कैनाल सेल्स प्रजेंट होती हैं। स्त्रीदानी में अंडदा में एक बड़ा एग होता है और इसके साथ इसके अंदर वेंटर कैनाल सेल्स प्रजेंट होती है। इसका डेवलपमेंट रिक्सिया के जैसा होता है और इसका फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है। फर्टिलाइजेशन से पहले के मैच्योर आर्किगोनियम की वेंटर कैनाल सेल्स और नेक कैनाल सेल्स विकटित हो जाती हैं और एक म्यूसिलेजिनस प्रोडक्ट का निर्माण कर लेती हैं, सब्सटेंस का निर्माण कर लेती हैं, जिससे क्या होता है ये म्यूकस वाटर को एब्जॉर्व करके फूल जाता है, जिसके दबाव से एपिकल जो कवर सेल्स होती हैं, 4 जो कवर सेल्स का निर्माण होता है वो वहाँ से हट जाती हैं। इस तरह से एंथ्रोजॉइड जल के साथ एग से संयुक्त होकर जायगोट का निर्माण कर लेते हैं और जायगोट अपने चारों तरफ सेलुलोज की भित्ति स्त्रावित करके ऊ स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। जायगोट बनता है और जायगोट ऊ स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। अब डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट। ऊ स्पोर बीजाणुद्भिद की फर्स्ट सेल्स होती हैं जो वृद्धि करके वेंटर कैनाल अंडा गुहा के पूर्व में को वेंटर कैनाल की जो गुहा है उसको कंप्लीट कर देता है। ऊ स्पोर डिवीजन के द्वारा स्पोरोगोनियम का निर्माण करता है जो फुट सीटा और कैप्सूल के अंदर डिवाइड होता है। फॉर्मेशन ऑफ द स्पोरोफाइट। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट के बारे में बात करते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर स्पोरोफाइट और डाइसेंस ऑफ द कैप्सूल। डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट क्या होता है, सबसे पहले जो जायगोट ऊ स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है, ऊ स्पोर के अंदर ट्रांसफर डिवीजन होता है जिससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक ऊपर वाली कोशिका एक नीचे वाली। ऊपर वाली कोशिका को एपिबेसल सेल्स और नीचे वाली सेल्स को हाइपोबेसल सेल्स कहते हैं। हाइपोबेसल सेल्स विभिन्न तलों में विभिन्न प्लेन्स के अंदर डिवीजन करके एक बड़ा बल्बोलस फूट का निर्माण करती है जो प्रारंभ में हिस्टोरिया का काम करता है, जो चूसकांग यानी कि फूड एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एपिबेसल सेल्स क्या करती हैं, इसमें एक बार अनुप्रस्थ विभाजन से जिससे 3 कोशिकीय फिलामेंटस एम्ब्रियो का निर्माण करता है और ये 3 कोशिकीय फिलामेंटस एम्ब्रियो ये पैलियोकाज्मा वंश का अभिलाक्षणिक गुण है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये वाली बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि फिलामेंटस एम्ब्रियो किस वंश का अभिलाक्षणिक गुण है, तो वह है पैलियोकाज्मा। अब जो एपिबेसल सेल्स के अनुप्रस्थ विभाजन से 3 कोशिकीय भ्रूण का निर्माण हुआ था, उसके अंदर सबसे ऊपर वाली जो कोशिका है वो कैप्सूल का फॉर्मेशन करती है, मिडिल वाली जो है वो सीटा का निर्माण करती है और लोअर वाली सेल्स है वो फुट का निर्माण करती है। तीनों सेल्स ट्रांसफर डिवीजन और लेटरल डिवीजन, अनुप्रस्थ और लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन से एम्ब्रियो यानी कि 12 से 15 कोशिकीय हो जाता है। जो एम्ब्रियो बनता है वो 12 से 15 कोशिकीय हो जाता है।
मध्य कोशिका से बना सीटा इलोंगेटेड होकर लंबाई में वृद्धि करता है, जिससे कैप्सूल कैलेप्टा और इन्वोल्यूजर को भेद कर बाहर आ जाता है। जो मिड सेल्स से बना हुआ जो सीटा है वो इतना वृद्धि करता है जो कैप्सूल कैलेप्टा और इन्वोल्यूजर को भेद कर बाहर आ जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये उइस्पोर है, उइस्पोर के अंदर ट्रांसफर डिवीजन हुआ, हाइपोबेसल और एपिबेसल सेल्स का निर्माण हुआ और इसके अंदर फिर से ट्रांसफर डिवीजन हुआ एपिबेसल सेल्स में, जिससे थ्री सेल स्टेज फिलामेंटस एम्ब्रियो का निर्माण हुआ, अपर मिडल और लोअर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ और फाइनली डेवलप होकर इस तरह से स्पोरोगोनियम का निर्माण हो जाता है। कैप्सूल क्षेत्र की सेल्स में पेरिकिनल डिवीजन से दो स्तरों का निर्माण होता है, कैप्सूल में डिवीजन से एम्पीथीसियम और एंडोथीसियम। एपिथीसियम जो सेल्स हैं इनके अंदर एंटीक्रिनल डिवीजन से एक स्तरीय कैप्सूल वाल यानी कि जैकेट का फॉर्मेशन होता है और एंडोथीसियम सेल्स जिसे आर्किस्पोरियम की तरह बिहेव करती है, जो सेल्स बार बार डिवाइज होकर स्पोरोजिनस टिश्यूज का निर्माण कर लेती है। ये स्पोरोजिनस टिश्यूज इन्हें स्पोर मदर सेल्स कोशिका व इलेटर मदर सेल्स में विभेदित हो जाती है। जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाती है स्पोर मदर सेल्स और इलेटर मदर सेल्स के अंदर। अब इलेटर स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है, जिससे स्पोर टेट्रा बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है, जिससे इसके अंदर ये बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। अब इलेटर मदर सेल्स के अंदर डिवीजन नहीं होता है, ये लंबाई में वृद्धि करके इलेटर्स का निर्माण करती है और ये इलेटर्स की भीतरी भित्ति में विपरीत दिशा में स्पायरल थिकनिंग बैंड पाए जाते हैं। निषेचन क्रिया के उद्दीपन से आर्किगोनियम वेंटर सेल्स स्त्रीदानी अंडदा कोशिका सक्रिय होकर विभाजनों द्वारा द्विस्तरीय कैलेप्टरा का निर्माण करती है, यानी कि आर्किगोनियम की जो वेंटर सेल्स होती है, जो एग सेल्स के ऊपर वेंटर सेल्स होती है वो डिवाइड होकर द्विस्तरीय कैलेप्टरा का निर्माण करती है। कैलेप्टरा यंग गैमेटोफाइट के चारों तरफ, जो यंग गैमेटोफाइट बन रहा है यानी कि जो स्पोर्स बन गए हैं उनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण कर लेती है। आर्किगोनियम के आधार की जो सेल्स हैं डिवाइड होकर दो स्तरीय इन्वोल्यूजर का फॉर्मेशन कर लेती है, यानी इन्वोल्यूजर का जो फॉर्मेशन होता है जो आर्किगोनियम की बेस होती है उनकी सेल्स से डिवीजन से यह बनता है। इस स्पोरोफाइट दो आवरणों से ढका होता है, एक तो कैलेप्टरा और इन्वोल्यूजर। स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर स्पोरोफाइट, तो इस जो मैच्योर स्पोरोफाइट है वो फुट सीटा और कैप्सूल के अंदर डिवाइड होता है। फुट क्या करता है, स्पोरोफाइट का बल्बुलस कंदिल भाग होता है जो पैरेन्काइमाटस यानी कि मृदुकीय कोशिकाओं का बना होता है, जो वाटर एब्जॉर्प्शन का कार्य करता है। सीटा ये पैरेन्काइमाटस मृदुकीय कोशिकाओं से बना तंतुनुमा संरचना होती है। मैच्योर कैप्सूल में इसकी कोशिकाएं तेजी से वृद्धि करती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, सीटा का फंक्शन होता है बीजाणुओं के प्रकीर्णन में हेल्प करना। कैप्सूल ये वो लगभग गोलाकार भाग होता है और एक स्तरीय भित्ति से बना हुआ होता है। कैप्सूल कैविटी के अंदर अनेक स्पोर्स व इलेटर्स मौजूद होते हैं। स्पोर्स शुरू में टेट्राड होते हैं जो बाद में गोल हो जाते हैं। स्पोर्स वॉल द्विस्तरीय होती है, बाईलेयर्ड होती है, बाहर वाली एक्जोस्पोरिक वॉल कहलाती है और अंदर वाली एंडोस्पोरिक वॉल कहलाती है। एक्जोस्पोर के ऊपर एक पेरिस्पोरियम परिचोल पाया जाता है जो ऑर्नामेंटेड होता है, यानी कि एक्जोस्पोर के बाहर भी एक लेयर होती है। इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक होते हैं जो बीजाणुओं के प्रकीर्णन में हेल्प करते हैं, यानी कि जैसे ही स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये इलेटर्स इन्वायरमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब करके अंदर का प्रेशर बढ़ा देते हैं जिससे बीजाणु प्रकीर्णित हो जाते हैं। डाइजेशन ऑफ द कैप्सूल, सीटा के इलोंगेशन होने की वजह से कैप्सूल की भित्ति का दूरस्थ ढक्कन खुल जाता है, ठीक है, और इलेटर्स फैलते हैं, सिकुड़ने की वजह से बीजाणुओं का प्रकीर्णन होता है। नाउ जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर, जर्मिनेशन कैसे होता है, जैसे ही उपयुक्त इनको कोई भी सब्सट्रेट मिल जाता है यानी कि आधार मिल जाता है, मिलते ही ये बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं, ये जल अवशोषित करके फूल जाते हैं और इनका प्रोटोप्लाज्म एक्टिवेट हो जाता है। स्पोर्स के अंदर
जैसे इनका प्रोटोप्लाज्म एक्टिवेट होता है, स्पोर्स के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन से दो कोशिकाएं बनती हैं, एक बड़ी कोशिका जिसे जर्म ट्यूब सेल्स कहते हैं और एक छोटी कोशिका जिसे राइजोइडल सेल्स कहते हैं, और इस राइजोइडल सेल्स से राइजोइड्स का फॉर्मेशन होता है और जर्म ट्यूब सेल से प्रोटोनिमा का निर्माण होता है जो बाद में, और इस प्रोटोनिमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट आ जाता है और ये फिर से डिवाइड करके जर्म प्लेट का निर्माण कर लेती है, और ये जर्म प्लेट बाद में इस जर्म प्लेट के अंदर एपिकल सेल्स का फॉर्मेशन हो जाते हैं और ये एपिकल सेल्स बाद में पूरे थैलस का निर्माण कर लेती हैं। इस तरह से ये पैलियोकाज्मा का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। इनका जो मेन प्लांट होता है वो हैप्लॉइड होता है और इनके अंदर स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लॉइड होता है, और इनके अंदर अल्टरनेशन प्रजेंट होता है जिसके अंदर इनका अल्टरनेशन पीढ़ी एकांतरण होता है वो हैप्लो डिप्लॉन्टिक होता है, मैंने सबसे पहले हैप्लॉइड बनता है फिर डिप्लॉइड बनता है फिर वापस हैप्लॉइड बनता है। इस तरह से ये पैलियोकाज्मा का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।